सुनो मेरी जान, कुछ चीजें बहुत सुकून देती हैं और उसमें तुम्हारा चेहरा सबसे पहले आता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और नया टिकटॉक का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि आप सिंपल स्क्रीन में देख चुके हैं। तो अगर आप इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो वक्त आया कि बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड, ये टिकटॉक की आईडी है आशा ऑफिशियल 302। तो इस तरह के स्टेटस बना रहा है, उसके स्टेटस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। तो काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार इस तरह का स्टेटस कैसे बनाते हैं, आप काइंडली इस पर ट्यूटोरियल दें। तो फाइनली आज की वीडियो में मैं आपके इस पर मुकम्मल ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो अगर आप भी किसी स्टेटस को ट्यूटोरियल चाहते हैं या कोई से मटेरियल चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टेटस के लिए हम लाइट मोशन ऐप का यूज़ करेंगे। तो आपने लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। तो अगर आपके पास लाइट मशीन नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से जाकर आपने डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने प्लस पे टैप करके और 9.60 वाला रेशियो सेट करके आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपने, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो आपने प्लस पे टैप करके और मीडिया में आके कोई सी भी वीडियो आपने सेलेक्ट कर लेनी जिस वीडियो पर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मेरे पास ये वीडियो है, मैं इस पर स्टेटस बनाऊँगा। तो आपने अपने हिसाब से कोई सी वीडियो ऐड कर लेनी। उसके बाद आपने प्लस पे टैप करके और जिस सॉन्ग पे, जिस पोएट्री पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं आपने वो ऐड कर लेना। अगर आपके पास आईडी की सूरत में तो आपने आईडी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास वीडियो की सूरत में तो आपने वीडियो से स्टार्ट कर लेना है। तो मैं मीडिया पे टैप करके वीडियो से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो है वो सॉन्ग स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने सॉन्ग के जहाँ जहाँ पर आपके बीट्स मार्क आ रहे हैं वहाँ पर आपने अपने लिरिक्स चेक कर लेने और वहाँ पर आपने बीट्स मार्क लगा लेने। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कुछ इस तरह से बीट्स मार्क हैं, मैं इधर ऐसे लिरिक्स के हिसाब से अपने जो है वो बीट मार्क लगा लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने जो है वो कुछ इस तरह से लगा लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, जैसे आपके सॉन्ग के या पोएट्री के लिरिक्स आपने उस हिसाब से बीट मार्क लगा लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड, आपने क्या करना है कि इसका मैंने स्टेटस का XML बना के आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आपने ऐड करके अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखते हैं आयशा ऑफिशियल 302 स्टेटस XML। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस डबल आइकन पे टैप करके और जो है वो सिलेक्ट ऑल लेयर करके और इस लेयर को आपने जो है वो अनसेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लस डबल आइकन पे टैप करके कॉपी टू लेयर कर लेना है। इतना करने के बाद आपने वापस अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है। प्रोजेक्ट में आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने चेक कर लेना है जहाँ पे आपके जो है वो लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे आपने प्लस डबल आइकन पे टैप करके पेस्ट टू लेयर कर देना है। और आपने क्या करना है कि इधर से इसको कुछ इस तरह से आपने सिलेक्ट करके और ये जो आपके पास आइकन बना हुआ है क्लॉक वाला, आपने इस पर टैप करके इसको इस तरह से स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने जो है ये इस तरह इसको सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर आपने आके और ये हमारा जो है इमोजी है, आप जो सी इमोजी लगाना चाहें आपने वो इमोजी लगा लेनी है। एग्जांपल के लिए जो है वो मैं कुछ इस तरह से ये वाली इमोजी लगा लेता हूँ, ये वाली। उसके बाद इसको ओके कर लेते, ओके करने के बाद आपने नीचे वाले जो आपके लिरिक्स आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लिखा हुआ मिठी एडिट्स वो आपने इसको रिमूव करके और जो आपका पहले लिरिक्स आपने वो लिख लेना है कुछ इस तरह से। तो मैं इसका जो साइज़ है थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। उसके बाद आप जो सा फॉन्ट लगाना चाहें यहाँ से फॉन्ट लगा लीजिएगा। उसके बाद ओके करने के बाद आपने इसको जो है वो कुछ इस तरह से बैक पे शो करना है और ये आपके पास ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो आपने चेक कर लेना है कि आपका जो है लिरिक्स वो कहाँ तक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मेरा लिरिक्स यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक है। तो इसको जो है वो कुछ इस तरह से इतना बढ़ा लेते हैं, ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। तो आपने चेक कर लेना उस हिसाब से जो है। उसके बाद आपने इसको जो है वो पकड़ के कुछ इस तरह से पीछे ले आना है और इसको भी आपने जो है वो एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपने एडिट ग्रुप पर टैप करके और इसके जो लिरिक्स हैं आपने वो इसको रिमूव करके और जो आपने आपके आगे वाले लिरिक्स हैं आपने वो लिख लेना है। तो मैं इसका जो साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि इसकी इमोजी अगर आप चेंज करना चाहें तो इमोजी भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यह मैंने iOS फॉन्ट लगाया हुआ है, इमोजी फॉन्ट है। तो आपने क्या करना है कि इसको जो है आपने डाउनलोड कर लेना है, वरना मैंने पहले भी काफ़ी सारे फॉन्ट जो दिए हैं उनमें भी आपको यह फॉन्ट मिल जाएगा।
उसके बाद जो है आप यहाँ से कोई सी भी जो इमोजी आप लगाना चाहते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है वो एक ये इमोजी लगा देता हूँ, उसके बाद जो है वो एक कोई और लगा लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये लगा लेता हूँ, या इसको रिमूव करके और ये हार्ट वाली इमोजी लगा लेते हैं, कुछ इस तरह से आपने लगा लेना। उसके बाद आपने ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा। तो मैं जल्दी से अपने लिरिक्स कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आपका कीमती वक्त बच सके। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने अपने जो स्टेटस कंप्लीट कर लिया, कुछ इस तरह से आपने हमें तमाम लिरिक्स लिख लेने हैं। आपने क्या करना है कि XML फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड करके अपने लाइट मोशन में इसको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने वहाँ से कॉपी लेयर कर लेना है, जैसे कि ये हमारे पास लेयर है, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करके प्लस डबल आइकन पर टैप करके इसको कॉपी लेयर कर लेना है। तो आपने इधर आके जस्ट क्या करना है कि प्लस डबल आइकन पर टैप करके और पेस्ट लेयर कर देना है। पेस्ट लेयर करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करके एडिट, ये नीचे आपके पास शो एडिट ग्रुप, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। तो आपने इस है वो एक इमोजी है, दूसरे पे लिरिक्स है, तो आपने इसका क्या करना है सेलेक्ट करके और कुछ इस तरह से, यानी कि आपने एडिट टेक्स्ट पे आके इसको रिमूव करके अपना जो आपका लिरिक्स आपने वो लिख लेना है। तो बहुत ईजी मेथड है, आपने जस्ट क्या करना है कॉपी पेस्ट करना है और अपना स्टेटस तैयार कर लेना है। तो आपने इस तरह से अपने तमाम लिरिक्स लिख लेने हैं, उसके बाद आपने क्या करना है प्लस पे टैप करके और मीडिया में आके। तो फ्रेंड ये मेरे पास एक वीडियो है, डबल एक्सप्लोर वाली वीडियो बनाई हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसको सेलेक्ट करके म्यूज़िक में आके इस पर जो म्यूज़िक लगा हुआ आपने वो ऑफ कर लेना, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ऑफसेट में आके डार्केन में आके आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपका कलर है वाइट कलर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ जस्ट ब्लैक रह जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने जहाँ से ये ओपन हो रहा है बिलफर्ज, ये आगे से ऐसा आपने ट्रिम कर लेना। ट्रिम करने के बाद आपने इसको जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आना है ताकि ये जल्दी आपका जो है वो ओपन हो। कुछ इस तरह से आपने अपने हिसाब से चेक कर लेना है, जैसे आपकी वीडियो है आपने उस हिसाब से ऐड कर लेना है इसको। तो उसके बाद आपने अपना जौन सा लोगो लगाना है लोगो लगा लेना है, और नीचे जौन सा आप इमोजी लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये मैंने इमोजी लगाया हुआ है, इस तरह आप अपनी मुख्तलिफ इमोजी लगा के और अपना स्टेटस बना सकते हैं। और इस जो है वो डबल एक्सप्लोर वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपने जो है वो इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, तो आप देखते हैं हमारा स्टेटस एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कुछ भी अच्छा लगा कुछ भी बुरा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर बेल दफाएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चैनल वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।